करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के खंडवा में रात 10 बजे के बाद तक गरबा कराने और पुलिस के साथ विवाद करने पर प्रशासन ने नवचंडी देवी मंदिर के महंत बाबा गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया है। कल उनके भाई को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन पर शासकीय कार्य में बाधा कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और दोनों को ही न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। बाबा गंगाराम मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। पुलिस ने उन्हें उनके घर से चड्डी बनियान में उठाया और न्यायालय में पेश किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से खंडवा के गरबा मंडलों में रोष है। नहीं, कार्रवाई ठीक हुई है, पर मतलब इतनी अधिक कार्रवाई हुई है जिससे थोड़ा सा मन को खेद हुआ। आपको किस कंडीशन में पुलिस उठा के लेके आई, क्या है वो पूरा बताइए ना। नहीं, मंदिर में क्या था, कुछ नहीं, हम अखंड ज्योत बना रहे थे और हमको ऐसा लगा, आज काकड़ा आरती है, ऐसा लगा कि थोड़ा सा ये लोग आए हैं तो भाई अभद्र व्यवहार ना करें, तो हम ऊपर निकल।